स्प्लिट समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट हुई एच इज इक्वल टू, और यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, आप ये मत सोचना 1, 3, 4 और सी डॉट जॉइन एच, एच एच में ये परफॉर्म हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन है जॉइन होने की, जॉइन होने की कंडीशन ये है कि कोई भी जो भी जॉइन कर रहे डेटा वो एक लिस्ट में होना चाहिए पहली बात, और लिस्ट में भी हर डेटा स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर एक भी डेटा न्यूमेरिक मिला तो उस डेटा को जॉइन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? सो ये कंडीशन है। सो इफ़ आई हैव अनदर लिस्ट डब्ल्यू हेलो एंड कॉमा सेकेंड डेटा इज वर्ल्ड, राइट? सो आई वॉन्ट टू जॉइन हेलो एंड वर्ल्ड विद यू नो हैविंग अ स्पेस इन बिटवीन। सो आई वुड यूज सी, वॉट इज सी, सी इज स्टिल ए स्पेस बिकॉज हम लोगों ने सी डॉट जॉइन तो किया था बट इसको स्टोर डी में नहीं किया या वापस से सी में नहीं किया, इसलिए डेटा कहीं जाके स्टोर नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना केवल कोई भी ऑपरेशन आपको रिजल्ट देगी, अगर उस रिजल्ट को स्टोर करना है तो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है असाइनमेंट, है ना, यहाँ असाइनमेंट यूज़ किया है बी के अंदर स्टोर करने के लिए। लाइक वाइज इफ आई यूज़ क्यू इज इक्वल टू सी डॉट जॉइन डब्ल्यू, राइट, सी वॉज बेस्ड ऑन स्पेस, सो स्पेस के साथ ज्वाइन करना है डब्ल्यू को, डब्ल्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं और क्यू में स्टोर करना है, सो हेलो वर्ल्ड। नाउ क्यू इज टाइप ऑफ क्यू इज स्ट्रिंग, नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट यूज सम ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग एज वेल। मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग का लेटर है वो कैपिटल हो जाए, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज स्टेटमेंट्स, राइट? सो क्यू डॉट कैपिटलाइज, राइट? सो इट विल ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द सेंटेंसेस। अगर फुल स्टॉप के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर देगा, जैसे हम जनरली लिखते हैं अपनी यू नो पैराग्राफ्स को। नाउ क्यू डॉट, अभी क्यू क्या है, क्यू अभी भी हेलो वर्ल्ड ही है, ओरिजिनल डेटा क्योंकि हमने स्टोर नहीं किया है। नाउ क्यू डॉट अपर, इट विल क्यू डॉट अपर, राइट, क्यू डॉट अपर, लेट मी स्टोर इट इनटू कैपिटल क्यू, सो कैपिटल क्यू वुड बी हेलो वर्ल्ड इन अपर लेटर्स, राइट? सो कैप आई हैव सपोज अनदर वेरिएबल आर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डॉट लोअर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी ऑपरेशंस काफ़ी जगहों पे काम में आ सकती है। कोई इशू किसी को, कोई इशू किसी को अभी तक? ओके सो अच्छा, मुझे सपोज करो इस डी को रिप्लेस करना है, आई वॉन्ट टू रिप्लेस डी विद एम, है ना, आई वॉन्ट टू रिप्लेस एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो, नॉट ओनली ओनली अ करेक्टर, आई वॉन्ट टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑल्सो, सो यू कैन रिप्लेस दैट विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि आर के अंदर ही डेटा है तो आर डॉट रिप्लेस, रिप्लेस इज अ कमांड। किससे क्या रिप्लेस करना है, पहला मैं चाहता हूँ सपोज करो वर्ल्ड को रिप्लेस करना सिमरन से, सो आई विल गेट दैट पर्टिकुलर सेक्शन यू नो रिप्लेस्ड विद द न्यू वन, अंडरस्टूड, बट स्टिल आर इज सेम बिकॉज वी डिडंट स्टोर दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू अनदर वेरिएबल, अंडरस्टूड, राइट? सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर कमांड और वी आर डूइंग सम ऑपरेशंस, रिमेंबर वेदर डू यू वांट टू स्टोर द डेटा और नॉट, इफ यू डोंट वॉन्ट डोंट यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, बिकॉज एज सुन एज यूल यूज एनी ऑपरेटर एंड यू विल असाइन वैल्यूज इन टू अन अ वेरिएबल, योर मेमोरी विल बी यूज, मेमोरी यूज होगी तो अगर बहुत बड़े प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर खामखा हम लोगों ने बहुत सारा डेटा बहुत सारे वेरिएबल्स में स्टोर किया होगा अननेसेसरीली, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो लेंदी होगा, हमारी मेमोरी मैपिंग बहुत ज़्यादा यूज में आएगी तो स्लगिशनेस आएगी, है ना, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स में आए बट वो आएगी कंपेयर विद अदर डिफरेंट प्रोग्राम्स। जैसे क्या होता है कि कंपनीज़ के अंदर दो रोल बहुत ज़्यादा आपने सुने होंगे, एक डेवलपर्स और एक डेवलपर कम्युनिटी और एक टेस्टिंग कम्युनिटी। तो डेवलपर्स तो कुछ भी करके डेवलप करके दे देते हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का सबसे बड़ा टास्क है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए,
उनका टारगेट कंप्लीट, अगर टास्क कंप्लीट हो गए तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट को ये सब चीज़ देखनी होगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ऑल दो अगर हमने किसी चीज़ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाउंड कर दी कि हमें माइक्रो सेकेंड्स में या एक सेकेंड में 1 लाख ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, तो डेवलपर्स के पास में वापस से फिर से यूनिट चैलेंज आ गया कि कोड कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कैसा भी कोड काम नहीं करेगा, हमें अपनी लिमिटेशंस में काम करना है। तो डेवलपर्स एंड टेस्टर्स बोथ आर हैंड इन हैंड। टेस्टर को दोनों दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि डेवलप कैसे हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है और टेस्टिंग कैसे करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब न्यू कमर्स आते हैं और टेस्टिंग क्योंकि टेस्टिंग ईजी इसलिए मानी जाती है कि उनको सिखा दिया जाता है कि आपको किस किस तरह की चीज़ें टेस्ट करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट करना है, लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट टेस्ट करना है, फॉर लूप यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी स्पेसिफिक सपोज करो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर उनको ऑलरेडी पता है कि लूप्स यूज़ होंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। उनको पता है कि अगर आपकी मेमोरी कहीं पर गलती से यूज़ हो गई, किसी डेवलपर ने गलती से यूज़ कर लिया है केवल काम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी गाइडलाइंस आपको मिली होती हैं और आप उनको वापस टेस्ट करते रहते हो। तो पैरेलली टेस्टर का काम थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको कराया काम मिलता है, उसको फिर उसके ऊपर बहुत सारे यूज़ केसेस टेस्ट करने होते हैं। और हाँ, टेस्टर को और ज़्यादा यू नो एफर्ट तब देने की ज़रूरत है जब उसको बेसिकली क्रिएटिवली कुछ नए यूज़ केसेस अपनी तरफ से एडजस्ट करने हैं और सजेस्ट करने हैं अपने यू नो टीम लीडर को, राइट। सो प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने बताया था और ये जो कमांड्स बताएंगे ये धीरे 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 कहीं ना कहीं हर हर यू नो प्रोग्राम के अंदर, हर किसी लॉजिक के अंदर, हर किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम को छोटा करने के लिए काम आएंगे। अगर यही काम करना है आपको तो आप खुद भी बना के कर सकते हैं। सेम लॉजिक आप बना लो, आपको मैं बोलता हूँ कि ठीक है हेलो वर्ल्ड को आप स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करो, आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको जब एक कमांड पता है तो आप वही काम क्यों करो ऑलरेडी जिसने जो ऑलरेडी किया हुआ है पाइथन के अंदर, ठीक है ना। सो लेट अस गो अहेड एंड सी वेदर डू वी हैव सम अदर ऑपरेशंस टू डू। वाई एक स्ट्रिंग है, वाई डॉट स्पेस कैपिटलाइज केस फोल्ड सेंटर काउंट, यू कैन काउंट। मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि जो जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं, जैसे फाइंड है, फाइंड के अंदर मुझे पता करना है कि एम का अब अगर हेलो सिमरन की जगह पे ये बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ होता है और उसके अंदर सपोज करो 1000-2000 वर्ड्स होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपको बोला जाता है कि 1000 वर्ड्स का कोई पैसेज लिखें, या जैसे रिपोर्ट्स बनती हैं, थीसिस बनती हैं, राइट। तो उसमें वर्ड्स कंस्टेंट होते हैं, उन वर्ड्स में कोई चीज़ गलत तो नहीं है, कॉपी तो नहीं है। आपने नोटिस किया होगा प्लगरिज्म रिपोर्ट्स बनती हैं, राइट। सो लेट अस चेक अबाउट एम। सो एम की लोकेशन क्या है, सो इट विल गिव यू दी फाइंड कमांड ओवर ऑन योर स्ट्रिंग विल गिव यू दी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर, राइट। ओके, अगर मैं सेम ऑपरेशन वापस से किसी और लेटर के लिए यूज़ करता हूँ एन, सो इट टेल यू अबाउट एन, राइट। सो यू कैन यूज़ दिस। Then we have format, okay, we'll use format also. Join lower, upper, replace, strip, okay. So we have strip also, I'll show you few more. Okay, count how many times, is there any two letter Simran, hello Sim, okay. Suppose we want to check how many times this S has come in this Y. It came only one, right, one time. So if I'll just write Y is equal to Y plus single quote S, so I have just concatenated Y with S more, right. So Y became Simran's, right. So let me check whether what is the count of S in Y, right, 2. So in a paragraph, in a long passage where we need to check whether a specific section, not about S only, you can find maybe SIM, how many times SIM has come, right? So you will see, okay,
तो सिमरन, सिमरन में SIM कितने लोकेशन पे आया है? यू विल फाइंड ओनली एस स्पेसिफिकली, दी दी इंडेक्स नंबर ऑफ एस स्पेसिफिकली, राइट? एंड हाउ मैनी टाइम्स, मतलब वाई डॉट काउंट, सॉरी वाई डॉट काउंट विद इन ब्रैकेट SIM, हाउ मैनी टाइम्स सिम हैज़ कम इन टू दिस पर्टिकुलर थिंग. फाइंड में अगर आप सिम को पूछोगे कि सिम कितनी बार आया है, कौन सी लोकेशन पे आया है, तो इट विल जस्ट टेल यू द स्टार्टिंग लेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, कि सिक्स्थ इंडेक्स से ये सिम स्टार्ट होता है. कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? नहीं सर. ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड. ओके. हेलो वर्ल्ड में मैंने स्पेस दिया, हेलो वर्ल्ड एंड स्पेस, सो ए बिकेम दिस, राइट? स्पेस, हेलो वर्ल्ड, स्पेस. जहाँ भी कभी ऐसा लगता है कि स्पेस अननेसेसरी बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग में और एंड में, हमें उसको यूज़ में नहीं लेना है, तो आप एक कमांड स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो. स्ट्रिप विल ऑटोमेटिकली डिलीट, मतलब स्ट्रिप के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिप विल ऑटोमेटिकली डिलीट द इनिशियल एंड लास्ट स्पेसेस, राइट? अननेसेसरी अननेसेसरी स्पेसेस. ओके, और क्या हो सकता है? ए डॉट फॉर्मेट, राइट? वन मोर थिंग, सपोज आई विल राइट ए इज इक्वल टू वट इज द प्राइस, दीज टू थिंग्स, अगर ये कर्ली ब्रेसेस किसी स्ट्रिंग के अंदर आते हैं. अरे यार, अगर ये कर्ली ब्रेसेस किसी स्ट्रिंग के अंदर आते हैं, है ना, तो आप इन कर्ली ब्रेसेस को किसी एक पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हो. एग्जाम्पल के तौर पे कि दीज आर दी नोटेशंस टू रिप्लेस इट विद दी नंबर, व्हाट इज द प्राइस, तो बी के अंदर प्राइस लिखा हुआ है. सपोज करो व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस लिखा होता, तो बी सपोज 100 रुपीज़ पर केजी. सो व्हाट वी कैन डू इज ए डॉट फॉर्मेट एंड वी कैन यूज बी, राइट? सो इट विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस दिस, कि जहाँ भी ये कर्ली ब्रेसेस लिखे होंगे उसकी जगह वो नंबर आ जाएगा. कुछ आया समझ में फॉर्मेट का यूज? फॉर्मेट यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करना है किसी नंबर को, आपको पता है कि बहुत बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में सपोज करो आपका लिखा है द वेदर ऑफ जयपुर टुडे इज दिस, एंड व्हाट इज द वेदर, वेदर कंटेन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वेयर टेम्परेचर, विंड स्पीड, यू नो ह्यूमिडिटी, नंबर ऑफ अदर पैरामीटर्स आर देयर. सो वेर एवर यू वुड फाइंड नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेटेड टुगेदर एंड वेयर नंबर्स आर यू नो गेटिंग चेंज अगेन 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 एंड अगेन, तो आपको उस चीज़ के लिए कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो. मान लीजिए सर, अगर सेंटेंस में सॉरी बोलो बोलो, अगर सेंटेंस में दो तीन कर्ली ब्रैकेट हाँ आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते तो हैं, फिर हर जगह रिप्लेस होगा. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई एग्जांपल लेते हैं. टेम्परेचर कर्ली ब्रेसेस, ह्यूमिडिटी कर्ली ब्रेसेस, विंड स्पीड कर्ली ब्रेसेस, राइट? अच्छा क्वेश्चन है फॉर्मेट, क्योंकि अच्छा एक चीज़ समझना कि ये जो फॉर्मेट वाली कमांड है या कुछ स्ट्रिप जो मैंने बताई है ना, ये बहुत डीप हैं, ये इतनी जल्दी आपको देखने को मिलेंगी नहीं, यूज़ में नहीं आएंगे, और जिनको ये पता है वो अपने प्रोग्राम्स को बहुत शॉर्ट बना लेते हैं, ठीक है ना? फॉर्मेट तो बहुत ही कम लोगों को यूज़ करना आता है. ये जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, आपको पता होगा कोड वीटा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है TCS का. आजकल TCS ने कंपनीज में मतलब कॉलेज में जाना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि TCS के बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि कॉलेजेस के अंदर जाने से बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है और जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो मिल नहीं पाता, और बहुत लोगों से यू नो मैनेजमेंट से बहुत सारे लोगों से पॉलिटिक्स करनी पड़ती है. तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कोड वीटा नाम का एग्ज़ाम बना दिया. पिछले 4-5 सालों से वो कंडक्ट करते हैं, तो एक महीने के अंदर वो बहुत सारे अलग अलग राउंड रखते हैं और जोन में डिवाइड करते हैं पूरे इंडिया को, कि ये इस बार आज के दिन इस टाइम से इस टाइम के लिए 6-6 घंटे का टाइम डिवाइड करते हैं, कि 6 आवर्स में आपको बेसिकली पूरा एग्ज़ाम देना है, जिसमें 3 से 5 क्वेश्चंस होते हैं.
और वो सारे प्रैक्टिकल राउंड होते हैं, राइट। उसमें 5 क्वेश्चन दे देंगे, उनमें से केवल एक करना होता है। आप कोई भी एक कर दोगे, दो कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास चॉइस है। तो आप अगर मिनिमम एक भी कर देते हो तो वो दूसरे राउंड में आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड उन्होंने मिनिमम पैकेज उन बच्चों का जो उस कोडविटा से आते हैं, जितने भी कॉलेज में वो गए हैं आज तक, उससे बहुत हाई रखा है। दे यूज टू स्टार्ट द पैकेज बाय 4.5-6 लाख अराउंड, राइट। लाइकवाइज कोडविटा TCS की तरह बाकी कंपनीज ने भी यही सारी प्रोसीजर्स ऑप्ट किए हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे और जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग्स बोलते हैं। जो भी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सारी जो छोटी छोटी कमांड्स हैं वही काम में आती हैं और वही डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक प्रोग्रामर में और एक लर्नर में या मे बी द बिगनर में, राइट। सो जिसके पास ये प्रैक्टिस होगी, इनको ये पता होगा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है क्रिएटिवली। अगर कोई रिक्वायरमेंट जनरेट होती है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास ऐसी दिमाग में कमांड भी है जो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, रादर देन मेकिंग दैट पर्टिकुलर लॉजिक बाय योरसेल्फ, राइट। सो फॉर्मेट, अगर मैंने लिखा 100, सो क्या लगता है क्या रिप्लेस होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सिमरन ये तीनों जगह रिप्लेस होना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा, बट इट विल जस्ट आस्क वेदर आपने तो 3 जगह यूज़ किया है, तो विल इट बी पॉसिबल टू रिप्लेस विद 1 सिंगल नंबर ओनली? इट आस्क फॉर द टपल वेयर यू कैन राइट 3 नंबर्स टुगेदर, राइट। सो ए, तो जितनी वैल्यू आपने पास की है उसको आपको एक टपल में पास करना है। शट 100 कॉमा। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉमा से इसको समझ में नहीं आ रहा, कॉमा के बाद में नंबर तो लिखो, क्योंकि यहाँ तो नंबर चाहिए था। दिस कॉमा इज द स्ट्रिंग वेयर इट कैन नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। सो यू नीड टू पास अदर वैल्यूज ऑल्सो। टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अब ये क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या प्रॉब्लम है कि 3 डेटा को आपको एक साथ रिप्लेस करने के लिए ये बताना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ डालना है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? बताओ भाई। हाँ ओके। सो इसने बोला आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ ना हर बार अलग अलग तरह की एरर आ रही है, कभी सिंटेक्स एरर, कभी इंडेक्स एरर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमेशा जब भी इन एरर को कभी फाइंड आउट करते हैं, है ना, यहाँ टाइप एरर है, तो ये बताता रहता है पाइथन कि किस तरह की एरर कहाँ जनरेट हो रही है और किस, जब भी कोई एरर जनरेट होती है तो उसको किस तरह टैकल करना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी आपके सामने एरर है इंडेक्स एरर, क्या करें? कोई हिंट? अभी तक आपने इंडेक्स को बार बार स्टडी कर लिया है, क्या लगता है? बोलो भाई। तो वो 2 ब्रैकेट क्यों लगाए? कौन से 2 ब्रैकेट? अच्छा ये 2 ब्रैकेट डायरेक्ट पास करना है। इट शुड बी इन टपल। टपल कैसे बन सकता है? देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी शायद कि आपको टपल बनाने के लिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना। एक ही जगह हम लोग कुछ n लिख लेते हैं, अभी मैं कुछ नया बताने वाला हूँ। 3, 6, राइट। फिर ये जो टपल बन गया, वॉट इफ आई राइट q इज इक्वल टू डायरेक्टली q 2, 5, 7, 9, 2? इसमें तो ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो अब ये क्या बनेगा? ये भी टपल बनेगा बाय डिफॉल्ट विदाउट द ब्रैकेट। इफ यू राइट अ पर्टिकुलर डेटा यू नो सेपरेटेड विद कॉमास विल ऑलवेज बी अ टपल, राइट। q विल ऑल्सो बी अ टपल, n विल ऑल्सो बी अ टपल, अंडरस्टूड ना? सो इट टोल्ड यू अबाउट कि टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर हम लोगों ने 2 ब्रैकेट लगाए तो उससे क्या हुआ कि ये डेटा, ये तीनों वैल्यूज एक साथ इसके लिए पास होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 3 वैल्यूज कॉमा के साथ में ऐसे पास हो सकती हैं, क्योंकि ये तो नंबर एक्सेप्ट करता है। आया समझ में क्या? अच्छा, इसमें और बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे
ए क्या है, ए अभी भी है, तो ए डॉट फॉर्मेट विद इन ब्रैकेट हमने बोला 100, 20, 10, वेरी गुड, नो इश्यूज, राइट। व्हाट इफ आई विल राइट इंस्टेड ऑफ दिस, आई विल राइट समथिंग हियर, राइट। सो आई विल राइट हियर एज 2, एक इंडेक्स लिखा है मैंने 1 एंड 0। इसका मतलब है कि अगर अब मैं वापस से ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो 10 विच हैज़ इंडेक्स सेकेंड है ना, विच हैज़ इंडेक्स 2 विल बी द टेम्परेचर, दिस इज़ द ह्यूमिडिटी एज यूजुअल एंड दिस वुड बी द विंड स्पीड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सो यू कैन पास दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू ऑल्सो। कोई इशू किसी को? ठीक है, तो फॉर्मेट का मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता जहाँ पे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती और वो रिपोर्ट बार 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 हर एक मिनट में जनरेट होती है, हर आर की जनरेट होती है, और सपोज़ करो नोटिफिकेशन आते हैं सब लोगों के मोबाइल फ़ोन पे कि भाई यहाँ का टेम्परेचर ऐसा हो रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया है, उसमें 10 PM तक ये कर सकते हो, 3 मई तक ये होने वाला है, दुनिया भर की चीज़ें जो नंबर्स और स्ट्रिंग से जुड़ी हुई हैं और जहाँ नंबर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, है ना, टेक्स्ट जहाँ कांस्टेंट है वहाँ हम लोग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। क्लियर है अभी तक? सिमरन, श्वेता, किशन, यस सर, यस सर, अभिषेक, यस, ओके। सो अब आप बात करते हैं थोड़ी सी डिक्शनरी पे ना, यहाँ तक की चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं अभी तक। स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो सकती है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्ट्रिप कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, लोअर अपर काउंट, राइट, और मे बी फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कमांड्स हम लोगों ने केवल स्ट्रिंग पे देख ली, लिस्ट पे बहुत सारी देख ली, टपल पे देख ली, अब डिक्शनरी देख लेते हैं। डिक्शनरी के अंदर भी वैसे अच्छा एक और कमांड थी लिस्ट में, अगर आपको याद हो तो 1, 2, 3, 4 एक्सटेंड कमांड, राइट, इफ़ यू रिमेंबर, अपेंड हमने देख लिया, क्लियर देख लिया, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड नहीं देखा, इंडेक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट एक्सटेंड। अगर हमें एक्सटेंड करना है एक और नया नंबर इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, हमें एक नया नंबर एक्सटेंड करना है, सो वी कैन डू इट, बट ये बोल रहा है कि ये इटरेटेबल होना चाहिए। इंटीजर नंबर कोई इटरेटेबल नहीं होता है ना। अब ये इटरेटेबल कौन सी वैल्यूज होती हैं? जितनी टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सब इटरेटेबल हैं, जिसके अंदर सिंगल डायमेंशनल डेटा अगर अवेलेबल है तो वो एक्सटेंड हो सकता है ना। अगर जैसे आपको सिंगल वैल्यू कभी डालनी है तो आप दो तरीके से डाल सकते हो, ए डॉट अपेंड करके 10 और ए डॉट एक्सटेंड करके विद इन ब्रैकेट 10, राइट। इट हैज़ बोथ हैज सेम मीनिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? और डबल टाइम इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने अपेंड भी यूज़ किया है और एक्सटेंड भी यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर अभी तक? शायद कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली, वापस से मुझे करनी पड़ेगी। अभी क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, तो अपेंड विल ऑटोमेटिकली अपेंड डेटा ऑफ वन वैल्यू इन दैट लिस्ट एट द लास्ट, राइट। एक्सटेंड विल डू द सेम थिंग, बट एक्सटेंड वुड एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो, दिस कैन एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो, राइट। सो एक्सटेंड का फायदा यहाँ पे है। अभी तक क्लियर है? तो लगभग हमारे सारे ऑपरेशन लिस्ट से कवर हो गए हैं। अब हमें डिक्शनरी पे करने हैं। कॉल इज गोइंग टू डिसकनेक्ट, सो आई विल जस्ट रिकनेक्ट एंड विल स्टार्ट वंस अगेन।
एप्लीकेशन. ओके सो वी आर रेडी. ओके सो वी हैव आवर डिक्शनरी सपोज. अच्छा डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? सेट में कोई भी पेयर नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यूज होंगी राइट. और अगर पेयर है 1, 1, हेलो 4, रायपुर 6, सपोज दिल्ली, है ना. ये तीन चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं. अब मुझे इसको कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी इनटू अनदर वेरिएबल आल्सो, लाइक वी डिड इट लास्ट टाइम राइट. अगर मैं लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए और मैं कोई भी ऑपरेशन रिमूव करने वाली, मैं कोई भी ऑपरेशन रिमूव करने वाली अगर ए के अंदर करता हूँ तो बी में भी डेटा रिमूव होगा राइट. तो ऐसे से बचने के लिए, ऐसी चीज़ से बचने के लिए ए इज इक्वल ए डॉट सॉरी बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी. So we will be same, but whenever you'll remove something from A, will not be affected to B, right? Is that clear? Yes, sir. अच्छा तो B dot keys हम लोगों ने देखा था केवल keys सारी पता करनी है. तो अब keys जो भी आएंगी वो सारी list में दिखाई देंगी. वैसे ही अगर आपको values चाहिए केवल तो B dot values only. You don't want these kind of keys and values pair. You want only keys or you want only values, you can get it right. So yeah, one more command is that get command has no specific maybe meaning, because b of 4 and b dot get of 4 has same meaning, hai na. Key ko access karne ke liye aap गेट यूज़ कर सकते हो, तो इसका कोई एक बहुत बड़ा यूज़ नहीं है. बी ऑफ 4 भी सेम ही बात है राइट. और क्या हो सकता है, बी डॉट कॉपी फ्रॉम की आइटम्स कीज पॉप. अच्छा पॉप कर सकते हो, पॉप करना है 4 को. 4 पॉप, आपको याद होगा पॉप का मतलब होता था कि करंट जो भी लिस्ट होगी उसमें से डेटा रिमूव हो जाएगा और कहीं जाके स्टोर हो सकता है. अगर हम सी में स्टोर करें तो सी एक और डिक्शनरी बनेगी जिसके अंदर केवल 4 मतलब जिसकी की का नंबर 4 है, उसके अंदर की वैल्यू है दोनों डिलीट होके बी में से और सी में पहुंच जाएंगे राइट. तो सी विल बी रायपुर, दैट डेटा विल बी स्टोर्ड एंड बी देखते हैं वापस से बी में से कुछ हुआ क्या. बी में से 4 हट चुका है. आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके सो बी डॉट अपडेट इज लाइक इंसर्ट राइट. अपेंड एक्सटेंड कमांड, जैसे पहले हम लोग अपेंड और एक्सटेंड कर रहे थे वैसे यहाँ पे अपडेट है. बट एक फायदा है अपडेट का, अपडेट कमांड, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर आप देखो अगर ये वाला पेयर, अगर ये टोटल बी के अंदर 1000 की पेयर होते और ये 1 कहीं जाके 100th पोजीशन पे होता तो आपको केवल बी ऑफ 1 लिखना पड़ता इरिस्पेक्टिव ऑफ उस पर्टिकुलर लोकेशन का इंडेक्स नंबर. आपको इंडेक्स नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है. आ रहा है समझ में? तो ये फ़ायदा है. तो आपको इंसर्ट अलग अलग पोजीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है. आप कहीं भी इंसर्ट कर दो, वो कहीं भी जाके स्टोर हो जाए. आपको तो केवल ये याद होना चाहिए कि आपका की वैल्यू पेयर में की वैल्यू क्या थी, की क्या थी. अगर की आपको याद है तो आप वैल्यू उसकी कभी भी एक्सेस कर सकते हो. एग्जांपल के तौर पर अपडेट करने के लिए मैंने एक और नया की बनाया 9 एंड इसकी वैल्यू है सपोज टेकिनेस्ट. गॉड क्या बोला इसने अपडेट करने के लिए, क्या बोलना है? कॉल नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते?
बोलो भाई, सब लोग कर रहे हैं क्या पैरेलली? श्वेता पैरेलल थोड़ा थोड़ा करते जाएं, अगर आपको लगता है कि मुझे रुकना है, मुझे रुकना भी पड़ेगा बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी ज़रूरी है। कुछ कुछ कमांड्स हम लोग बीच में देखते रहें। तो एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो वो की जो लिखा था वहां पे। हाँ कीस। हो गया था। हो गया अपडेट वाला? हाँ अपडेट वाला किया? हाँ ओके। सो आपको लग रहा होगा कि भाई 9 और आप टेकिनेस्ट को अपडेट तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 9 और टेकिनेस्ट भी तो पता होना चाहिए ना क्या है। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर डिक्शनरी, राइट? सो पहले इसको डिक्शनरी बनाएं एंड अपडेट करें, राइट? सो वी हैज गॉट दिस पर्टिकुलर डेटा। वट इफ आई विल राइट मे बी एच इज इक्वल टू अनदर लिस्ट, है ना? इसमें लिखते हैं फ्लार F1 दैट इज रोज, F2 इज लिली, ऐसे कुछ। अरे यार शुट, कॉमा इंस्टेड ऑफ कॉमा वी हैव कॉलन। सो एच एस टू डिफरेंट डेटाज, सो आई वॉन्ट टू अपडेट बी विद दिस न्यू इन्फॉर्मेशन। सो वट आई विल राइट, आई विल जस्ट रिमूव एवरी थिंग बिकॉज यहाँ तो एक डिक्शनरी चाहिए थी। आई विल राइट ओनली एच, अंडरस्टूड ना? सो वी विल बी अपडेटेड विद दीज थिंग्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अपडेट यूज़ में ले लेंगे क्या? समझ में आ रहा है? अच्छा, की हम लोगों ने ली, सपोज बी, अभी बात करते हैं बी डॉट कीज़ की, और की को स्टोर कर लिया एक और वेरिएबल क्यू के अंदर। सो क्यू इज़ दिस, क्या हम लोग इस 6 को एक्सेस कर सकते हैं? अच्छा क्यू का टाइप देखते हैं एक बार। टाइप ऑफ क्यू डिक्शनरी कीज़ है। आपको देखने में लग रहा होगा, है ना, देखने में लग रहा होगा कि ये लिखा भी है पहले, और यहाँ से देखने में लग रहा होगा कि यार ये तो एक लिस्ट होनी चाहिए, फिर इन ब्रैकेट से लग रहा होगा ये तो टपल होना चाहिए, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे कभी कभी दो दो ब्रैकेट्स एक साथ कंबाइन होने के बाद एक नई टाइप भी बनेगी। जैसे मैंने अभी बताया था वो ड्राइव्ड होंगी सारी के सारी, जैसे आपको मैं यहाँ दिखा रहा था कि एरे, मैट्रिक्स, स्केलर, वैक्टर, टेंसर्स, है ना, वैसे डिक्शनरी कीज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ड्राइव होंगी, और वो उनके भी नोटेशंस अलग अलग होंगे, बट प्राइमरी ये आपको मिलने वाले हैं 5, ठीक है? तो कैसे करें फिर इस 9 को एक्सेस? ये सब चीज़ तब देखेंगे हम लोग जब हम लोग टाइप कास्टिंग की बात कर रहे होंगे। टाइप कास्टिंग इन द सेंस, इस टाइप को हम लोग पहले लिस्ट में चेंज करें। लिस्ट अगर बन जाएगी, तो अगर ये लिस्ट बन जाए तो क्या होगा उससे 9 को एक्सेस करने के लिए? क्यू ऑफ 2, अंडरस्टूड ना? कर पाएंगे? तो मेरे में ये कीज यूज करने से एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैव नो एट्रीब्यूट कीज। कीज विद अ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, राइट? डिड यू यूज देम? हाँ। बी क्या डिक्शनरी है? ये नोटिस करो, टाइप ऑफ बी। नहीं। टाइप ऑफ बी मस्ट बी अ डिक्शनरी अच्छा फर्स्ट। अच्छा ओके आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि हमने लगभग लगभग सारे डेटा टाइप्स को 90% कवर कर लिए। ऑलमोस्ट सारी जितनी कमांड्स मेनली यूज़ होनी चाहिए वो हम लोग कवर कर चुके हैं।
बाकी जो छोटी छोटी और कमांड्स होंगी अगर यूज़ में आएंगी बीच बीच में तो हम लोग देखेंगे उसको, आफ्टर वेरिएबल्स कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स। लेट अस जंप इन टू फ्यू मोर यू नो स्पेसिफिक कमांड। जैसे एक कमांड है इनपुट, राइट? इनपुट कमांड इज टू टेक यूजर इनपुट्स, है ना, एंटर योर वैल्यू। जैसे हम लोग स्कैन एफ यूज करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, है ना, प्रिंट एफ स्कैन एफ, स्कैन एफ इज टू टेक यूजर इनपुट्स। सो इनपुट कमांड इज टू टेक यूजर इनपुट, दिस डेटा विल बी डिस्प्लेड एंड विल लेट अस नो वेदर वॉट टू एंटर। तो एंटर योर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब यहाँ वो टेक्स्ट लिखना है जिससे कि हमें हमेशा याद रहे कि सामने वाले को एंटर क्या करना है, यूज़र को एंटर क्या करना है, और वो एंटर जब करेगा तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा। ए इज़ इक्वल टू दिस, सपोज मैंने एंटर किया 1000, अभी 1000 ए के अंदर पहुँच चुका है। अब इसका इसका टाइप क्या आ रहा है, बाई डिफॉल्ट स्ट्रिंग, राइट? तो टाइप ऑफ ए। तो ध्यान रखना जब भी कभी कोई इनपुट स्टेटमेंट से एंट्री होगी, जो भी हम एंटर करने वाले हैं वो हमेशा स्ट्रिंग होगी। पहले अगर मैंने 1000 लिखा हो, चाहे वो लिखा हो हेलो वर्ल्ड, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। तो इस 1000 को स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अब हमारे पास एक और नया मेथड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, है ना, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए डेटा टाइप को। तो टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट द डायरेक्ट कमांड्स अवेलेबल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप ऑफ डेटा टाइप इन टू अनदर डेटा टाइप। तो फिलहाल ये स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है इंट। इंट कमांड भी है और डेटा टाइप भी है। आपको याद होगा अगर मैं टाइप लिखता हूँ, अच्छा मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी ऊपर, तो यहाँ क्लास लिखा आ रहा है, यानी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो एज अ कमांड, है ना। तो इंट विद इन ब्रैकेट ए, राइट, बिकॉज ए वॉज स्ट्रिंग। सो ए बिकेम, नाउ दिस डेटा है बिकेम दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक नंबर, राइट? बट द थिंग इज ये डेटा स्टोर नहीं हुआ कहीं पे, तो अभी भी ए क्या बना बना हुआ है, स्ट्रिंग। सो मुझे स्टोर करने के लिए बी इज इक्वल टू इंट ऑफ ए, राइट? सिमिलरली अब बी बन चुका है दिस, इफ आई राइट फ्लोट ऑफ बी इट विल जस्ट एट दिस पॉइंट। अंडरस्टूड? कोई इशू किसी को? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ए इज इक्वल टू ये लिखता हूँ 1 2.56, सॉरी 1 2.56। अब अगर मैं इसको इंटीजर से कन्वर्ट करूँगा इंट ऑफ ए, सो इट विल जस्ट हैव, सॉरी, बेस वैल्यू ऑफ 10। ओके, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस वैल्यू ऑफ 10, 12.56। अगर इसी की जगह पे और कुछ चीज़ें होती, अगर ए इज इक्वल टू केवल 1 2 3 होता, विल दैट बी पॉसिबल? यस। सो उसने बोला कि भैया ये तो पॉइंट वाइंट पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने, और ये एक करेक्टर है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। सो वी नीड टू रिमेंबर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। तो कुछ लिमिटेशंस होंगी टाइप कास्टिंग की, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइप को कभी भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? तो अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट ऑफ ए, क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज अभी तो ये केवल स्ट्रिंग ऐसी थी जिसके अंदर पॉइंटेड नंबर नहीं थे। अगर मैं लिखता हूँ वापस से ए इज इक्वल टू 12.56, कैन वी कन्वर्ट इट इन टू फ्लोट, फ्लोट एंड देन ए? यस इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज फ्लोट के अंदर तो पॉइंट एक्सेप्ट होता है। अब मुझे अगर इंटीजर बनाना था 12.56 को, तो क्या करें? दो काम कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल स्टेटमेंट फ्लोट ऑफ ए और इसका भी एंट, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ एक ही लाइन में लिखे जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एंट ऑफ फ्लोट ऑफ ए, वॉट डज इट मीन? 12। अभी किसी को प्रॉब्लम है टाइप कास्टिंग में? नहीं सर। अभिषेक?
नहीं सर, अच्छा अरे यार श्वेता कहाँ गई? किशन? ओके ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग और साथ में टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रहे कि किस किस तरह का डेटा किस में कन्वर्टेबल है, पहले वो पॉसिबल होना चाहिए चीज़, तभी वो कमांड लगा पाओगे आप। ठीक ओके, फिर हमारे पास और कमांड्स, कल मैंने शायद 2 दिन पहले मैंने बताया था, फर्स्ट सेकेंड क्लास में शायद बताया होगा, बिन हमारे पास अवेलेबल है, बिन ऑफ इंट ऑफ फ्लोट ऑफ ए, विच मीन्स 12 का बाइनरी जो भी होगा वो कन्वर्टेबल होगा। ठीक है, दैट इज 0B1100। इफ़ यू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज 1 2 4 8, 1 2 4 8 मीन्स 8 and 4 is 12। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है अभी? क्लियर है क्या? अच्छा मैं अब अगर हेक्स लिखता हूँ, हेक्स ऑफ बिन ऑफ इंट ऑफ फ्लोट ऑफ ए, ज़्यादा लग गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, कोई प्रॉब्लम? ओके, दिस वॉज बिन स्ट्रिंग, अगर बिन के बाद में डेटा आया था तो वो स्ट्रिंग था, है ना? यहाँ तक का डेटा है स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग से वापस से हेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या करें? हेक्स विद इन ब्रैकेट एंड ऑफ फ्लोट ऑफ ए, राइट? सो ये भी स्ट्रिंग में रिटर्न हो रहा है, बट 0xc, सी इज 12, आपको पता होगा स्मॉल ए और कैपिटल ए इज 10, बी इज 11 एंड सी इज 12, तो 12 को अगर कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में इट इज 0xc, राइट? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस चीज़ का रिजल्ट क्या आने वाला है और उस रिजल्ट के आने के बाद क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है, क्योंकि उसका टाइप चेंज हो चुका है। टाइप हमेशा नंबर और स्ट्रिंग के बीच में ही हमेशा लाई करता रहेगा किसी भी डेटा टाइप का इधर से उधर चेंज करने पे। वैसे ही जैसा देखो, अब हम बात करते हैं थोड़ी और पावर पावर की पाइथन के अंदर, डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, अगर कोई ए वेरिएबल टपल है 1, 2, 3, अब मुझे 3 को डिलीट करना है, डिलीट ऑफ ए ऑफ 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ए ऑफ 2 अभी क्या है? 3 है, कूल। अब मुझे डिलीट भी करना है, मुझे वापस से ए ऐसा चाहिए कि टपल भी चाहिए 1, 2 वाला, तो क्या करें? मैं ए को एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, पहले लिस्ट बनाता हूँ, सो ए बिकेम दिस। नाउ डेल ऑफ ए ऑफ 2, सो ए के अंदर क्या बचा? 1 and 2। फिर से ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, टपल विद इन ब्रैकेट ए, और इसको हम लोग वापस से स्टोर कर दें ए के अंदर, सो ए बिकेम टपल। कोई प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? समझ में आया? टपल से वापस लिस्ट में गए, लिस्ट में चेंजेस करके वापस से टपल में आ गए। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, लिस्ट से टपल में जाएं स्टोर करने के लिए किसी ऑपरेशन में ना घुसने के लिए, और टपल से टपल के अंदर के जितने ऑपरेशन हो सकते हैं, मे बी वो मल्टीप्लिकेशन है, मे बी वो कॉन्कैटिनेशन करने के बाद वापस लिस्ट में आ जाएं। ठीक है, तो लिस्ट से टपल, टपल से लिस्ट, तो यानी कि हमारे पास क्या क्या कमांड आ रही है टाइप कास्टिंग के अंदर? टाइप कास्टिंग के अंदर सबसे पहले आ गया एंट फ्लोट और str, chr, और ord और bin और hex और हमें अभी देखा tuple list dictionary, हाँ डे शॉर्टिंग, और क्या था, सेट भी था, ऐसी सेट भी है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं कमांड्स। अच्छा बिन था हमारे पास, राइट? सो ए इज इक्वल टू, अगर 10 है तो बिन ऑफ ए विल बिकम 0B1010। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, आपने देखा होगा ये कुछ 0B आ रहा है, ये नोटेशन है,
अगर मेरे पास ए अभी भी 10 है, ए क्या है 10 है राइट, तो एक कमांड है, पहले तो इसको स्ट्रिंग करनी पड़ेगी है ना, स्ट्रिंग str ऑफ ए, str ऑफ इज 10, 10 बट स्ट्रिंग में 10 राइट। सो अगर मैं ए ऑफ ए को चेंज कर देता हूँ str ऑफ ए से, तो ए बिकेम 10 राइट। सो नाउ ए डॉट, क्या हम एनकोड कर सकते हैं, या वी हैव कमांड एनकोड। एनकोड क्या करता है, देखो ये बी पहले लगा हुआ है और यहाँ बी अंदर आ रहा है जीरो बी के साथ, दोनों में डिफरेंस है, ये एक बाइनरी नोटेशन होगा और ये बी बाहर होगा, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिकोड्स। यूनिकोड्स इन द सेंस कि आपको डेटा का टाइप ही चेंज कर देना है, इस तरह का टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग एस्की वैल्यूज का टाइप राइट। ये ना तो कैरेक्टर है ना ही जो दिखने वाली चीज़ है, ये ना तो सिंगल कोड है, ना ही वन है, ना ही ज़ीरो है ये, या ये सिंगल कोड क्लोज नहीं है ठीक है ना। ये बी का मतलब है कि ये यूनिकोड्स हैं। अब बी की जगह पे एच भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये यूनिकोड्स बहुत सारे होते हैं है ना। उनमें से एक यूनिकोड हम लोग फिलहाल देख रहे हैं जिसका जिसका नाम है बी है ना। बी आएगा तो यानी कि हमेशा वो एक एस्की वैल्यू में स्टोर्ड है। तो अगर मैं इस एनकोड को किसी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ क्यू नाम के है ना, तो क्यू बिकेम दिस पर्टिकुलरली क्यू ऑफ ज़ीरो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्यू ऑफ ज़ीरो क्या होगा, क्यू ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट बी, बी तो केवल डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज़ योर एंटायर डेटा। क्यू ऑफ ज़ीरो होना चाहिए दिस कोड, अगर ये स्ट्रिंग होता तो कोड आता, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि ये यूनिक कोड है, इसलिए क्यू ऑफ ज़ीरो में आएगा इसकी एस्की वैल्यू। एस्की वैल्यू ऑफ कोड्स आर 49। लाइकवाइज, अच्छा कोड के अंदर भी नहीं है, दिस इज 49, दिस इज़ योर 48 राइट। क्यू ऑफ 1 इज 48, क्योंकि क्योंकि आपको पता होगी एस्की वैल्यूज नंबर्स की स्टार्ट होती है 48 से, कैपिटल कैपिटल ए की स्टार्ट होती है 65 से, स्मॉल ए की स्टार्ट होती है 97 से राइट। 97 या सो दीज कोड्स विच यू आर विच आर अवेलेबल राइट नाउ, दिस थिंग एंड दिस थिंग एनक्लोज विद बी इज कॉल्ड एज यूनिकोड राइट। और भी यूनिकोड्स आएंगे, अगर यूनिकोड हटाना है, अभी अभी आप देख रहे हैं कि सॉरी ए इज स्ट्रिंग, क्यू इज यूनिकोड। अब मुझे क्यू को वापस से किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, बट वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू सॉरी क्यू डॉट डिकोड एंड यू विल बिकम एन स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को वापस से नंबर कन्वर्ट करना है तो पी इज इक्वल टू आई एन टी ऑफ यू। अंडरस्टूड ना, अभी समझ में आ रहा है। होगा क्या कि कुछ टाइम बाद, शायद श्वेता इज मैसेजिंग मी, वेट अ सेकंड राइट, थैंक यू किशन, नो ओके, सिमरन ने मैस लिंक भेजा है ग्रुप पे, थैंक यू सिमरन। राइट, हेलो श्वेता, हाय श्वेता, आवाज़ आ रही है? ओके, तो अभी आप 5 मिनट से शायद डिसकनेक्टेड थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, मैंने टाइप कास्टिंग कवर की है। टाइप कास्टिंग के अंदर डायरेक्ट कमांड्स हैं, आप एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, इंट के डेटा को फ्लोट में, फ्लोट के डेटा को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के डेटा को कैरेक्टर में। अब 2-3 कमांड और देखते हैं है ना। अगर ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर कैपिटल ए पड़ा हुआ है, इज द कैरेक्टर ऑल्सो एन स्ट्रिंग, अच्छा देख लेते हैं, टाइप ऑफ ए इज द स्ट्रिंग। तो मुझे अब इस ए का एस्की वैल्यू चाहिए, ए की एस्की वैल्यू 65 होती है, लेकिन मुझे पता नहीं है, सपोज तुम्हें चाहिए राइट,
ये बार बार चेंज हो जाता है, मुझे मुझे पता नहीं चल रहा कि कितनी बार ये नया नया लेटर चेंज होगा। तो अभी फिलहाल करंट में लेटर की इसका वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ORD। ORD इज ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ ए विल गिव अस ASCII वैल्यू। कूल। अब अगर मेरे पास कोई 97 स्मॉल ए के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है और मुझे इस 97 को कैरेक्टर में चेंज करना है, तो कैरेक्टर में चेंज करने के लिए आप str अगर लिखोगे, देखो एक बार str लिखोगे तो 97 आएगा। और एक कमांड है char, char ऑफ ए, बोथ हैज़ डिफरेंट मीनिंग। आया समझ में क्या? कैर स्ट्रिंग से ये ए स्ट्रिंग बन जाएगा, कैरेक्टर से ये इस वैल्यू को, इसका जो कैरेक्टर होना चाहिए दैट वॉज स्मॉल ए, उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? यस किशन, किशन ओके। सो वी गॉट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज कमांड्स कवर्ड, राइट? ओके, सो एक हमने कमांड देखी, इनपुट कमांड है ना, इनपुट कमांड। इनपुट कमांड का हमेशा रिजल्ट होता है। श्वेता थे आप जब मैं इनपुट कमांड डिस्कस कर रहा था? नो सर। इनपुट के अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, यूज़र इनपुट लेने के लिए काम में आती है, एंड आउटपुट ऑफ दिस विल ऑलवेज बी इन ए स्ट्रिंग। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। एक वेरिएबल अगर मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ में लेता हूँ, जैसे scanf कमांड हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर थी, एंटर टेम्परेचर वैल्यू, अगर वॉट एवर वैल्यू यू यू एंटर हियर 12 डिग्री, सो इट विल ऑलवेज बी कमिंग इन स्ट्रिंग एंड विल बी स्टोर इन अ वेरिएबल, जहाँ भी आपने इनपुट का डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया होगा। नाउ वॉट इफ यू विल राइट आफ्टर दिस वैल्यू स्लैश एन, स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन। सो एंटर द वैल्यू के बाद में इसने नई लाइन ले ली और यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब है कि अब आप जो भी एंटर करोगे वो नई लाइन में जाने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर स्लैश एन यूज़ करना है तो आप अपने यू नो कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हो, स्लैश एन की जगह स्लैश टी यूज़ कर सकते हो, स्लैश बी यूज़ कर सकते हो, टी मतलब स्पेस, बी मतलब बैक स्पेस, राइट? सो 178, अब जो भी आ रहा है, जो भी मैं एंटर कर रहा हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूज़र नेम, मैंने लिखा टेकीनेस्ट, सो ए इज टेकीनेस्ट, अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम किसी को? यूज़र इनपुट लेने के लिए हमारे पास कमांड है। तो मैं काम करता हूँ, सपोज यूज़र की एक लिस्ट बनाता हूँ, इसमें बहुत सारे यूज़र नेम डाल देता हूँ, सिमरन, श्वेता, टेकीनेस्ट और अभिषेक, किशन, राइट? देर आर 5 यूज़र नेम्स आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। मैं ये चेक करना चाहता हूँ जो यूज़र एंटर करने वाला है, सपोज यूज़र से हम लोगों ने एंटर कराया, व्हाट इज़ योर यूज़र नेम? ये हमारा साइन अप पेज है या साइन इन पेज है, राइट? सो इनिशियली जैसे गूगल में आपने देखा होगा, शुड आई शो यू ऑन गूगल, जीमेल में, ओके, सो न्यू प्राइवेट विंडो। गूगल के अंदर दो चीज़ें आती है, सबसे पहले यूज़र नेम पूछा जाता है, राइट? अगर वो यूज़र नेम मैं एंटर सही करूँगा तो बता रहा कुड नॉट फाइंड। अगर ये सही होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी आईडी डॉट टेकीनेस्ट, फिर इसने पासवर्ड पूछा, अगर पासवर्ड भी सही होगा तब वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैंने ए इज इक्वल टू इनपुट लिया यूज़र से और पूछा एंटर योर यूज़र नेम, एंटर एंटर योर यूज़र नेम, राइट? सो मैंने एंटर किया,
अच्छा यहाँ सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट एंटर करने की जरूरत है, क्योंकि सबको जो भी एंटर करने वाले वो सारा कुछ स्ट्रिंग में जाने वाला है। तो ए इज इक्वल टू, मैंने एंटर किया यूजर नेम अभिषेक, राइट। सो ए के अंदर अभिषेक है और यू के अंदर भी अभिषेक कहीं तो स्टोर्ड है। अब मुझे ये जानना है कि जो भी मैंने एंटर किया है क्या वो इस यूज़र नेम में, यानी डेटाबेस में, ये डेटाबेस है हमारे पास, ये सपोज़ करो जीमेल का डेटाबेस होता, गूगल का डेटाबेस होता, ये बहुत सारे इसके अंदर यू नो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स यूज़र नेम्स अवेलेबल होते, तो क्या करें, चेक करते हैं कि क्या ए यू में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो जो रिज़ल्ट है उसका वो आर में डाल दो, जो रिज़ल्ट आएगा चेक करने के बाद या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो इन स्टेटमेंट हमारा किसी बड़ी सी स्ट्रिंग में या किसी बड़ी सी लिस्ट में पर्टिकुलर सेक्शन को यूज़ करने में आता है, चेक करने में आता है। तो आर इज़ ट्रू बिकॉज ए विच वॉज अभिषेक इन यू, यू में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, एंड देन वी गॉट ट्रू। अगर आर ट्रू है तब हम ये चेक करना चाहते हैं कि भैया अभिषेक यू के अंदर कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है, समझ में आ रहा है। यू ए यानी अभिषेक जो भी एंटर किया था वो अभिषेक है, वो यू में तो अवेलेबल है, बिल्कुल ट्रू आ गया। अगर वो अवेलेबल है तो कौन सी लोकेशन पे है, लोकेशन के लिए क्या करें, यू डॉट इंडेक्स विद इन ब्रैकेट सिंगल कोड अभिषेक थर्ड इंडेक्स पे अवेलेबल है, आ रहा है समझ में क्या। तो अब एक काम करते हैं, ए इज इक्वल टू यू ऑफ थ्री, क्या ये दोनों अवेलेबल हैं, अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू आएगा, आ रहा है समझ में। छोटी सी चीज़ समझ में आ रही है जो भी मैंने बोला, ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन का कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, है ना। तो जीमेल पे हम लोग देख रहे थे अभी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, नहीं? मेरे में फॉल्स दिखा रहा है। किस चीज़ के लिए, आपने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी कुछ ना कुछ, नहीं। तो वो जो एंटर योर यूजर नेम के बाद जो एंटर करना है वो कोट्स में नहीं करना है ना, वो डायरेक्ट, हां डायरेक्ट करना है, तो वो तो डायरेक्ट ही किया है। टाइप चेक करो इसका, सिंगल कोड आना चाहिए, टाइप चेक करो, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, हां स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, आर जो है वो फॉल्स आ रहा है, हां आर इज इक्वल टू ए एन यू, ये चेक करने के बाद फॉल्स आ रहा है, हाँ। आपका यू चेक करो एक बार, आपने क्या एंटर किया ए के अंदर, यूजर एंटर क्या किया है, वही चारों नाम, नहीं यूजर से एंटर क्या किया है, चारों नाम एक साथ, नहीं नहीं मतलब, अच्छा एंटर योर यूजर नेम में, अपना नाम सिमरन, सिमरन यूज किया है, अच्छा सिमरन तो आप स्पेलिंग गलती नहीं, फोटो भेजो आपको, हाँ 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 बिल्कुल। आपका वर्जन कौन सा है पाइथन का, 3.6.5, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब भेजो एक बार फोटो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आज तक की जो जर्नी थी वो तो हमारी इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हो गई, क्योंकि हर चीज़ को मैंने सिंगल कमांड की तरह यूज़ किया, राइट। बट आगे जितना भी हम काम करने वाले हैं वो ग्रुप ऑफ कमांड्स यानी कि प्रोग्राम की तरह करने वाले हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा तब कोई प्रोग्राम बन सकता है। तो आज से जर्नी स्टार्ट होती है शेल की या स्क्रिप्ट की, राइट। नाउ व्हाट डू आई वांट, मैं यूज़र नेम, अच्छा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा, कॉपी, राइट, A is equal to input enter your username। हम क्या कर रहे हैं, हम सेम चीज़ को वापस से लिख रहे हैं, बस क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि ये एक प्रोग्राम बन सके। धीरे धीरे इस प्रोग्राम को हम लोग कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, पहले यूज़र नेम पूछते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो फिर हम लोग पासवर्ड भी पूछते हैं कि यूज़र नेम ठीक है, पासवर्ड बताओ अपना, ठीक है। तो पासवर्ड की एक और लिस्ट बना लेते हैं, पासवर्ड की पी इज़ अ लिस्ट, अनदर लिस्ट, ठीक,
विद इन ब्रैकेट मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये भी सब स्ट्रिंग है, 111 222 333 444 और 555. ये हमारे पास पासवर्ड्स हैं. तो मैंने यूज़र से उसका यूज़र नेम पूछा, अगर आर एक वेरिएबल लिया ए अगर यू के अंदर अवेलेबल है, आर अगर ट्रू हुआ तो हम एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ़ एल्स, राइट. दोज आर कंडीशनल स्टेटमेंट. अगर आर ट्रू होता है, ट्रू है, ट्रू को आप वन भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना, ट्रू है. सो यहाँ इफ एल्स में जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे कर्ली ब्रेसेस लगते थे, है ना, इसके अंदर सब कुछ लिखा जाता था. यहाँ पाइथन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है. पाइथन के अंदर इस चीज़ को बोलते हैं इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन में हमेशा याद रखना पड़ता है कि जब भी जहाँ कर्ली ब्रेसेस लगते थे वहाँ आपको कॉलन यूज़ करना है उस स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए. अब आपने देखा होगा जैसे मैंने एंटर किया वैसे मेरा कर्ली ब्रेसेस एक पर्टिकुलर टैब के बाद में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया. इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं पाइथन के अंदर इंडेंटेशन में ही फॉलो होंगे. अगर मैं यहाँ एक और इफ़ लिख देता हूँ, है ना, तो इसके बाद एक और टैब यूज़ होगा, ये दो टैब के बाद में काम आएगा. जैसे आप इस टैब से बाहर निकल जाओगे तो अब आप वापस से इस इफ़ में पहुँच गए हो, है ना. तो इसको इसको बहुत अच्छे ध्यान देना है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग, है ना. अब आप इस इफ़ के अंदर इस इफ़ में आ चुके हो, और अगर यहीं पे इसी लाइन में एक स्पेस के साथ में आप कुछ भी लिख रहे हो तो दैट विल ऑलवेज बी इन दिस पर्टिकुलर इफ़, राइट. सो आपको ना तो कोई कर्ली ब्रेसेस ओपन करने की ज़रूरत है ना ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज करने की ज़रूरत है. अगर आप बाहर पहुँच गए, अगर आपने यहाँ कुछ लिख दिया, इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट इफ़ से बाहर है, इफ़ के अंदर नहीं आता है, इस इफ़ का कोई कंसर्न गवर्न नहीं है इस चीज़ पे, इसका केवल लेना देना इस इफ़ से है, और इस इफ़ का पूरे का लेना देना इस इफ़ से है. आया समझ में क्या? तो ये सारी हायरार्किकल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन. अगर आप ये कॉलन नहीं लगाते तो ऑटोमेटिकली नई लाइन में पहुँच जाता है, और नई लाइन मतलब इसका इफ़ से लेना देना नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर आर ट्रू है, आर ट्रू तभी होगा जब यूज़र ने एंटर कोई ऐसा नाम किया होगा जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डेटाबेस में अवेलेबल है. अगर है तो बी, बी मतलब एक और इनपुट यूज़र से एंटर योर पासवर्ड नाउ, एंटर योर पासवर्ड नाउ, राइट. इसने एंटर किया होगा कुछ भी, फिर से चेक किया, क्या हमें अब वापस से मैं चेक करूं बी इन पी, क्या लगता है ऐसा करने की ज़रूरत है? कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है वैसे, मैं वापस से कनेक्ट करूंगा एक बार. जल्दी से बताओ क्या मैं वापस से करूं बी इन पी? अगर मैं बी इन पी करूंगा तो मैंने सपोज़ करो अभिषेक है, अभिषेक मैंने यूज़र नेम में डाला था, बिल्कुल करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं, अंदर आ गए, ट्रू है. फिर मैंने अभिषेक का पासवर्ड 444 की जगह पे मैंने डाल दिया 111. तो अगर मैंने बी में 111 डाला होगा तब भी ये एंटर कर जाएगा, यानी कि अभिषेक के पासवर्ड से, अभिषेक के पासवर्ड के बिना सिमरन के पासवर्ड से भी ये एंटर कर सकता है. आ रहा है समझ में क्या? तो अपन ये वाले स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते वापस से. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो बी सॉरी जो भी ए था, जो भी एंटर करा था यूज़र नेम, उस पर्टिकुलर यूज़र नेम का इंडेक्स नंबर क्या है. अगर इसका इंडेक्स नंबर 4 है, 3 है, तो उसी इंडेक्स नंबर पे पी के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको इसके साथ में कंपेयर करना है. अगर वो कंपेयर करने के बाद ट्रू आता है देन इट इज़ गुड, अगर फॉल्स आता है दैट मीन्स पासवर्ड गलत है, आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता है, यू आर नॉट अलाउड टू गो इन. अंडरस्टूड? अभी तक समझ में आ रहा है प्रोसेस में क्या बोल रहा हूँ? यस सुनो कृष्ण, श्वेता, ओके. तो आई विल राइट इंडेक्स के लिए आई एन डी या आई डी, आई एन डी है ना, आई डी तो लिख नहीं सकते क्योंकि आई डी ऑलरेडी कीवर्ड है. तो आई एन डी इज इक्वल टू बी, हमें क्या चाहिए, गॉड,
या एवरीबॉडी इज लाइफ, ओके एवरीबॉडी इज लाइफ, श्वेता आवाज आ रही है अभी सबको? ओके सो आई एन डी विटो का वेरिएबल, अभी क्या करना है अपने को, ये चेक करना है कि ए ए जो भी एंटर हुआ था वो यूजर के अंदर, ना कि पासवर्ड के अंदर, ना ए जो भी एंटर हुआ था वो यूजर नेम के अंदर कौन से इंडेक्स पे है। तो कैसे यूज करते हैं हम लोग, यू डॉट इंडेक्स ऑफ ए, ए जो भी एंटर हुआ है वो यूजर नेम के किस इंडेक्स पे है, वो इंडेक्स आ जाएगा आई एन डी में। तो अब क्या करेंगे, वापस एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज कैपिटल आर रिजल्ट के लिए, या आर ई एस ले लेते हैं, आर ई एस इज इक्वल टू आई एन डी ऑफ, सॉरी पी ऑफ आई एन डी इज इक्वल टू इक्वल टू इज इक्वल टू इक्वल टू बी, या उल्टा भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी ऑफ आई एन डी। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, और उस कंपेयर होने के बाद में ट्रू और फॉल्स कहाँ जा रहा है, रिजल्ट के अंदर जा रहा है। तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो हम इसको हटा दें डायरेक्टली, यहाँ पे इफ लगा दें, अगर बी इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड एंटर किया है अभी इज इक्वल टू पी ऑफ आई एन डी, और आई एन डी क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ अभिषेक, दैट इज सपोज थ्री, सो पी ऑफ थ्री इज 444। तो बी अगर 444 होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, एंड देन वी कैन प्रिंट द स्टेटमेंट दैट इज यू आर ऑथेंटिकेटेड, राइट। अगर नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब अगर मैं यहीं पे कुछ लिखूंगा इसका मतलब अंडर इफ जा रहा है, इफ नहीं हमें एल्स में जाना है, एल्स मतलब इफ का एल्स दिस, राइट। प्रिंट इट्स 1 o'clock, सॉरी योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। अगर मुझे इस इफ से बाहर निकलना है तो एल्स, किस लिए एल्स, हम ये बता सकें कि आपका यूज़र नेम ही सही नहीं था, क्योंकि अगर सही था तो पासवर्ड के लिए गया होगा, है ना, एंटर पासवर्ड एंटर यूज़र नेम करने के बाद अगर सही होगा तो इसके अंदर चला गया, अगर सही नहीं होगा तो इसका राइवल दैट इज एल्स, एल्स के अंदर गया होगा, और एल्स में हम लोग लिख देते हैं प्रिंट योर यूज़र नेम इज इन करेक्ट, राइट। सो अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस, मैं डेस्कटॉप पे, मेरी क्लास चल रही है अभी पाइथन दस वन, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ डे फाइव फर्स्ट प्रोग्राम एफ पी, ठीक है, ओके। सो अब ये सेव हो गया होगा, अब दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको बंद कर देता हूँ, है ना, पाइथन ऑनलाइन क्लास डे फाइव, राइट। अभी हम देखो आप कि ऑटोमेटिकली ये डे फाइव जो भी मैंने नाम दिया था वो ठीक है, डॉट पाई ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसका मतलब है कि आप इसको जब भी डबल क्लिक करोगे आपके पास ये पाइथन के नाम से एग्जीक्यूट होगा, तो कभी खुलेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ को ओपन मत करना, अगर करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके ओपन एज, ओपन विद आइडियली और समथिंग, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो उससे कर सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको रन करना है प्रोग्राम को, प्रोग्राम को इतनी सारी लाइनों को जिसमें हमने 8-10 लाइन लिखी हैं अभी, इनको एक साथ रन करना है। तो एक साथ रन करने के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो F5 प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से, F5 किसी किसी के कीबोर्ड में फंक्शन के साथ में यूज़ होगा, फंक्शन की एंड F5, या फिर रन में जाएं, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रन में जाएं और रन मॉड्यूल कर दें, रन मॉड्यूल के सामने लिखा आ रहा है F5, राइट। सो रन मॉड्यूल अगर करते हैं तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन का रिजल्ट कहाँ पहुँच रहा है, इस ये था शेल, है ना,
इस पे आप प्रोग्राम लिख पा रहे थे, ये स्क्रिप्टिंग विंडो थी, इसका रिजल्ट कहाँ पहुँचा है? वापस से उसी कमांड विंडो पे जहाँ हम लोग काम कर रहे थे पहले, कमांड बाई कमांड। तो उसने पूछा, देखो यहाँ रिस्टार्ट लिखा आ रहा है, रिस्टार्ट का मतलब है कि अभी ये शेल वापस से रिस्टार्ट हुआ है, किस प्रोग्राम के लिए? इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, ओके। सो अब इसने पूछा एंटर योर यूज़र नेम, मैंने लिखा अभिषेक, अभिषेक अवेलेबल था तो एंटर योर पासवर्ड नाउ, एंटर योर पासवर्ड नाउ, पासवर्ड वॉज 444, सपोज करो मैं 111 डालता हूँ, सॉरी योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, राइट। सो इसको वापस से रन करने के लिए क्या करना है, वापस से यहीं आना है इसी विंडो पे और रन मॉड्यूल करना है। वापस से हम लोग यहीं पहुँचे कमांड विंडो पे, रिस्टार्ट हुआ प्रोसेस, अभी मैंने फिर से अभिषेक डाला या गलत डाल दिया, राइट। उसने बोला योर यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, वापस से मैंने रन किया, मैंने पूछा अभिषेक और पासवर्ड इस बार करेक्ट डाला 444, यू आर ऑथेंटिकेटेड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? इतना समझ में आ रहा है, यानी कि इस ऑथेंटिकेशन के बाद, यानी कि यहाँ हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँचने का मतलब है कि आप अब जीमेल के अंदर लॉगिन कर चुके हो, जो भी आपको फंक्शनलिटी देनी है अपने यूज़र को वो यहाँ पे आके दे सकते हो। इतना अभी तक समझ में आया? क्वेश्चन क्वेश्चन ओके। तो आज अगर मैं अपनी कमांड्स के बाद, जो हमने यहाँ कमांड डिस्कस की थी बहुत सारी, उसके बाद छोटा सा पार्ट डिस्कस करूँ, तो हमने देखा कि स्क्रिप्ट, नई स्क्रिप्ट में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इसको स्टोर कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं प्रोग्राम को। देन वी सॉ कि अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, इसका मतलब है कि लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करेगा, है ना, एक एक लाइन अलग अलग एग्जीक्यूट करेगी और हर एक का अलग मीनिंग होगा। जैसे आप इस लाइन से आगे बढ़े तो उसमें इंडेंटेशन यूज़ होगा, और इंडेंटेशन हमेशा एक टैब का होता है, राइट, नॉर्मल एक स्पेस का नहीं, एक टैब का। जहाँ टैब गलत आ रहा होगा वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ एक टैब यूज़ किया और इस इफ़ के बाद में फिर से टैब यूज़ किया, इस एल्स के बाद में फिर से टैब यूज़ किया। अब नोटिस करना, इफ़ और एल्स, ये वाले दोनों इफ़ एल्स बिल्कुल एक ही इंडेंट में है। एक इंडेंट का मतलब है कि एक ही स्पेस का गैप इन्होंने मेंटेन कर रखा है, राइट। वैसे ही ये वाला जो एल्स है वो इसका पार्ट है, इस इफ का पार्ट, ये एल्स है, इसका मतलब ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे ये एक टैब के साथ अंदर नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल बाहर उसी लाइन में, उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है जहाँ पे हमारा इफ था, राइट। तो आपको अंदर तभी जाना है जब कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन का हिस्सा हो। अगर सारी लाइनें इंडिपेंडेंट हैं, जिसका पहले किसी ग्रुप से कोई हिस्सा लेना देना नहीं है, वहाँ हम लोग हमेशा नॉर्मल इंडेंट यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग बिल्कुल लेफ्ट एडजस्टमेंट के साथ में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, और आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारा इंडेंट यूज़ होगा। तो इंडेंट कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा? इंडेंट हमेशा इफ एल्स में यूज़ होगा, इंडेंट हमेशा फंक्शंस में यूज़ होगा, हमेशा लूपिंग में यूज़ होगा, क्लासेस में यूज़ होगा, मेथड्स में यूज़ होगा। तो आगे की जितनी दुनियादारी है जहाँ पे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, फंक्शंस के, इफ एल्स के, या आप इन शॉर्ट ऐसे मान के चलो कि सी लैंग्वेज के अंदर जहाँ भी कर्ली ब्रेसेस रेंज देने के लिए यूज़ में आते थे, जहाँ भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ में आते थे, वहाँ आपको ये कॉलन लगाना है, और जहाँ कॉलन लग गया उसके अंदर अगर जो भी चीज़ लिखनी है जिसकी डेफिनेशन उसके अंदर आती है, वो हमेशा एक इंडेंट के बाद यूज़ होगा। फिर उसके अंदर और स्टेटमेंट आ रहे हैं तो वो हमेशा अंदर चलते जाएंगे। सपोज़ करो इस एल्स के अंदर एक और इफ़ चलता है ना, और इस इफ़ के अंदर वापस से कुछ और लिखना पड़ता तो फिर से ये इंडेंट बन जाता। आ रहा है समझ में? अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ होता, राइट, सो इसके अंदर एक और इंडेंट बन जाता। मान लो आपको इस इफ़ के अंदर कुछ नहीं लिखना, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो अभी आप छोड़ बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यू कैन राइट पास, पास इज़ दिस स्टेटमेंट लाइक कि ये फ्यूचर में कहीं यूज़ होने वाला है, फ़िलहाल इसको पास कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। इसकी कंडीशन कुछ बहुत
यूनिक कंडीशन होती, सपोज कुछ भी और कंडीशन होती जो हमारे यूज़ में आती कभी कभी, या फ्यूचर में आने वाली यूज़ में आने वाली कंडीशन है ये, अभी हमें उस कंडीशन का तो पता लेकिन उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो नहीं पता, तो हम पास लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? पास या कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम है? आपको याद आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कंटिन्यू और पास नाम के दो कीवर्ड डिस्कस किए थे। तो आप ऐसी लोकेशंस पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है कि अभी आप स्टेटमेंट्स में कहाँ या इस इफ के अंदर क्या लिखना चाहते हो, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, प्रिंट हमेशा काम में लेने के टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। एक प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करेगा, और अगर आपको प्रिंट नहीं यूज़ करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो पास यूज़ कर सकते हो। और रियल प्रोग्रामिंग में ध्यान रखना, कभी भी रियल प्रोग्रामिंग में जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें प्रिंट स्टेटमेंट कभी यूज़ में नहीं आता, क्योंकि प्रिंट इज़ द डीबगिंग स्टेटमेंट्स। ये केवल आपकी सहूलियत के लिए है, ये केवल आपके हेल्प के लिए है कि आप एज अ टेस्टर, एज अ प्रोग्रामर चेक कर सको अपने प्रोग्राम को कि वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। एंड लेटर ऑन व्हेन योर फाइनल सॉफ्टवेयर, फाइनल यू नो कोडिंग विल बी डन, ऑल प्रिंट स्टेटमेंट विल बी रिमूव्ड। अंडरस्टूड? क्योंकि प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट हमेशा प्रोग्राम जो रन होता है ये हमेशा सेव करने के लिए पूछेगा। जब भी प्रिंट प्रोग्राम रन होता है, जब ये कमांड विंडो पे आते हो आप, तो यहाँ प्रिंट करने का काम करता है। और जब भी रियल सॉफ्टवेयर होगा वो कभी भी रियल सॉफ्टवेयर इस तरह का नहीं दिखाई देगा। रियल सॉफ्टवेयर में तो पूरा एक GUI सिस्टम होगा जहाँ पे आप अपना कुछ ना कुछ यू नो बटन्स प्रेस कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई सेक्शन होगा जहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा। तो कभी भी रियल सॉफ्टवेयर्स में, रियल चैलेंजेस में, रियल एनवायरमेंट्स में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं होता है। और जहाँ आपको डिबगिंग चाहिए वहाँ हर जगह प्रिंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, ये शेल विंडो में नहीं लिख रहे हैं, ये मतलब ये जो शेल आपको दिख रहा है इसके अंदर नहीं लिख रहे हैं, ये हम लोग एक स्क्रिप्ट में लिख रहे थे। आपको नोटिस होगा, शायद आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे आपके पास ऊपर एक है ना फाइल मेन्यू आता है, तो उस फाइल मेन्यू के बाद न्यू में जाने की बात कर रहे थे हम लोग, या फिर आप कंट्रोल एन कर सकते थे, राइट? कंट्रोल एन करोगे तो एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, आप यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। इसको सेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी तक क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार यहाँ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि डेटा अपलोड हो सकता है। राइट, यस, ये प्रोग्राम मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी चेक करना, और अगर डाउट्स हैं जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको वापस से एक बार समराइज करके मुझे बताना, ग्रुप पे आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, आज का टास्क यही है कि मैं जितना बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अगर मैं उसको समराइज करता हूँ तो हम लोगों ने शायद आज स्टार्ट किया था कुछ कमांड्स है, तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर यूज़ होने वाले जितने भी कमांड्स हैं उनको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इसके अंदर यूज़ होने वाली ऑलमोस्ट जितनी हमने कमांड पढ़ी है सबको एक बार आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, अपने एग्जांपल के साथ में एग्जांपल बिल्ड करना और प्रैक्टिस करना। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट स्टेटमेंट देखा है, कुछ हमने टाइप कास्टिंग कमांड देखी है, टाइप कास्टिंग, राइट, और स्प्लिट, जॉइन, स्प्लिट, जॉइन, ये दो बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्टिंग देख ली, स्क्रिप्टिंग के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और एक इंडेंटेशन देख लिया, इंडेंटेशन कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं, इफ एल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश की कि इफ एल्स कैसे कैसे आपस में यू नो यूज़ आएंगे, इन स्टेटमेंट देख लिया, और अच्छा एक इनके अलावा और चीज़ है, देखते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। अरे यार कट,
इनके साथ साथ एक और चीज़ है, सपोज करो ए एक लिस्ट है ना, 1, 4, 7, तो आप ये भी चेक कर सकते हो 7 नॉट इन ए। नॉट भी एक स्टेटमेंट था, इन भी एक स्टेटमेंट है, दोनों ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, लैंग्वेज बन जाते हैं। तो 7 क्या ए में नहीं है? अगर नहीं होगा तो ट्रू आएगा, और अगर होगा तो फॉल्स आएगा, क्योंकि है इसलिए फॉल्स है। समझ में आ रहा है? तो इन और नॉट इन दोनों यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी। ठीक, तो ये हो गया, और इसके बाद नॉट इन हो गया। ठीक है,